तावद भयम् दविन देहो सुहित निमित्यम् तावद स्पृहा परिभवो विपुलो चलो तावद ममो इति असद अवग्रह आर्तिमूलम् जावन्नोते अंग्रिम वयम् प्रवृणीते लोकः। सिसिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, ये प्रापंचिक माया जो है, प्रापंचिक माया जय करने का बाद आप क्या चीज प्राप्त करना चाहते हो? माया जय करना आप लोगों का सामने एक बड़ा बात है, लेकिन वास्तव भजन का विचार करो तो माया जय करना ये प्राइमरी चीज है। सबसे पहले माया जय करना जरूरी है, क्योंकि ठाकुर जी जिस अवस्था पे है, ठाकुर जी जिस अवस्था पे है, गुरु वैष्णव जिस प्लेटफॉर्म पे है, उस तक अगर हम पहुंच ना पाए तो हमारा सेवा हो नहीं पाएगा। इसका बारे में पहले भी हम बोले थे, चर्चा कर चुके। जब अर्चन के बारे में गुरुवर्गो आपको सिखाते हैं, अर्चन सीखो कैसे अर्चन किया जाए, तो अर्चन का जो शिक्षा है उसका पहले ही लिखा हुआ है, देवहूत्या देवम अर्चयत। अर्चन का जो पद्धति है, किताब है, उसमें पहले लिखा हुआ है देवहूत्या देवम अर्चयत। आप देवता का अर्चन करना चाहते हो अर्थात दिव्य सूर्यगणों को, गुरु वैष्णव का, तो आपको खुद देवता होना पड़ेगा। उस अवस्था में अगर ना जाओ तो कैसे सेवा करोगे? सेव्य वस्तु, सेवक और सेवा, तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे तो सेवा किसी भी हालत से होना संभव नहीं। ठाकुर जी अप्राकृत अवस्था में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल रियालम, अप्राकृत भूमिका, चिन्मय भूमिका, चित भूमिका। और अगर हमारा भूमिका है, जड़ भूमिका है, तो इस अवस्था में हमारा ठाकुर जी का अर्चन, पूजा, सेवा, भोगराग संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो किया जाए, अभ्यास योग जिसको बोला गया, ये अभ्यास करते चलो, कभी ना कभी हो जाएगा। इसलिए गुरु वैष्णव सुयोग देते हैं, प्रैक्टिस करते चलो, भजन का आभास बन जाए, उसका बाद धीरे धीरे अभ्यास होते होते, गुरु वैष्णव का कृपा लेते लेते, संकीर्तन सुनते सुनते, बस आज नहीं तो कल आपका चिन्मय जो अनुभव हृदय में आ जाए, चिन्मय भाव आ जाए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी इस विषय में बहुत सारी चर्चा किए, सुंदर बृहद भागवत अमृत में हरि संकीर्तन करते करते कैसा चिद्भाव उदय हो जाता, इस बारे में हम चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन में। बड़ा आश्चर्य विषय है, माया जय करने का बाद आप क्या करोगे? सबसे बड़ा चीज ये, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर माया जय करने का बाद आप चुपचाप बैठ जाओगे, आप मायावादी बन जाओगे। माया जय करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन माया जय करने का बाद आपका मकसद क्या है? माया जय करने का बाद आप अगर हरि कथा कीर्तन, भगवान का सेवा लेकर व्यस्त ना हो जाओ तो आपका अवस्था हो जाएगा बड़ा ढीला, मायावादी हो जाओगे। इंद्रिय जय करोगे, इंद्रिय जय कर, बड़ा भारी तपस्या किया, इंद्रिय जय किया, माया जय किया, मतलब इंद्रिय जय किया, सब कुछ हो गया, बस देन उसका बाद क्या करो?
उसका बाद अगर ध्यान से ठाकुर जी का हरि कीर्तन हरि कथा को जिंदगी में नहीं अपनाओगे तो आज नहीं तो कल तुम मायावाद बन जाओगे, मायावादी। इसीलिए काल भी चर्चा किया था चतुश्लोकी भागवत का, चतुश्लोकी भागवत उसका कई विषय चर्चा हुआ था। चतुश्लोकी भागवत का चर्चा हुआ था, सुने थे, उसमें शायद आप देखे चतुश्लोकी भागवत चर्चा करते करते काल हमारा विचार आया था जे ब्रह्मा जी को भगवान साक्षात स्वयं तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। काल कुछ विषय का चर्चा हुआ था सुबह, उसमें अगर कोई डाउट आ जाए तो मुश्किल है। ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ है सब विषय में, कुछ भी चाहे तो कर दे, लेकिन ठाकुर जी का कुछ नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठाकुर जी चाहता है कि यह नियम को ना तोड़े, फॉलो में। ठाकुर जी का विशेष नियम है वेद पुराण सिद्धांतों जो है, वेद उपनिषद पुराण, इसमें ठाकुर जी स्वाभाविक कुछ नियम को स्थापित किए, उसको तोड़ते नहीं, नियम नहीं। लेकिन जब वृंदावन का विषय आप चिंता करोगे, उधर देखोगे जो ठाकुर जी कभी कभी अपना नियम को तोड़ भी देते हैं, ठाकुर जी का ये विशेष विचार है। ऐसा तो लिखा हुआ है बहुत कुछ शास्त्रों में, नियम नहीं है, ये खाना ये करना ठीक नहीं, सब ठीक है, लेकिन ठाकुर जी ये नियम फियम को कभी तोड़ भी देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? भले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, इतना गढ़ा प्रेम प्रीति है, जब ठाकुर जी नियम को तोड़ देते हैं। गुरु वैष्णव ऐसा नियम नहीं है, सब जानते, निंदा करे लोग, लेकिन कभी कभी देखे किसका किसी का भक्ति बहुत ज़्यादा है तो नियम को फेंक देते हैं, बोले चलो इसको ही इसको कीपा कर दे थोड़ा, चाहे निंदा हो जाए। ऐसा ही गुरु वैष्णव भगवान का नियम बड़ा आश्चर्य है। ब्रह्मा जी ये ठाकुर जी का है जो ये जो चतुश्लोकी भागवत इसका विचार हृदय में कर रहे हैं। काल बहुत विचार हुआ था रीति अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत स्वात्मनि तद विद्वाद आत्मानुमायम यथा वासो यथा तमः। इसका डिफरेंट एंगल्स कई दिक से, इधर से विचार करो उधर से विचार करो, कई एंगल से विचार उपस्थित किया गया था। जब भी आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड, इसका ऊपर और भी विचार होनी चाहिए लेकिन समय कम है। जो श्लोक दे के शुरुआत हुआ उसका अगर सही ढंग से व्याख्या हो जाए आपका दिल में बड़ा आनंद आ जाए। तब तक आदमी का जिंदगी में भय रहता है, डर रहता है, जब तक अपना प्रतिष्ठा आदि सब विषय को लेकर जिंदगी में चलने का कोशिश करता है। सारे प्रतिष्ठा आदि जो कुछ है, अपना इंटरेस्ट जो है, इसको हृदय में बैठा के रखा है तो उसका डर तो हर वक्त रहेगा। तावत भयम द्रविण देह सुहित निवित्यम, द्रविण मतलब पैसा धन दौलत, तावत भयम द्रविण देहो, अपना इस शरीर टूट जाए तो क्या होगा इसका, और सुहित मतलब ये हमारा स्वामी है, पोता पोती ये सब लड़का है हमारा, सब है रिश्तेदार है, इसका बारे में डर हर वक्त बने रहेगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तावत भयम
द्रविण देह सुहित निमित्यम तावत स्पृहा परिभव विपुलश्चल तावत स्पृहा रहेगा आकांक्षा, कई किस्म का आकांक्षा, तरह तरह का हमारा लोभ है, आकांक्षा है। और जब तक महाराज लोभ रहता है हृदय में, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा प्रतिष्ठा, तो वो जो अवस्था है उसमें क्या है, वो उसको अपमान मिलता है। बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका अंदर में किसी चीज का लिए अगर लोभ है तो आज नहीं तो कल किसी भी हाल उसको अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो लोभ उसको अपमान करा देगा, नीचे फेंक देगा। लोभ जो है वो लोभ उसको नीचे फेंक देगा, चाहे वो बहुत पढ़ाई किया, कुछ भी किया, लेकिन सम्मान नहीं रहे। तावत भयम द्रविण देह सहित निमित्यम तावत स्पृहा परिभवो, परिभव मतलब पराजय। हमारा अंदर में लोभ है तो हमारा पराजय हो जाएगा, हमारा अंदर कोई लोभ नहीं है तो किसी का हिम्मत नहीं हमारा पराजय करे, आंख का मापी जलते रहे, ऐसा नियम है। विपुलस्य लोभ अतावत, उस समय तक ये हमारा है, ये हमारा है। तावत ममो इति असत अवग्रह आरती मूलम, ये आरती का जो मूल है, मैं और मेरा, ये दोनों विषय जब तक ना हटे तब तक वो तो कुछ नहीं होने वाला। जावर नौते अंग्रि मभयम प्रवृणीत लोक, प्रवृणीते, वृणीते मतलब वरण करना, वरण। गोस्वामी लोगों ने विचार किया, वरण दशा, अपन दशा, वरण दशा, शोभन दशा, सुने हैं कभी? नहीं सुने। शोभन दशा उपस्थित होगा, उसके पास वरण दशा, उसके पास अपन दशा, सुने ही नहीं कभी, कब सुनोगे? जिंदगी जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत विचार है। तो यहां बताया गया जावन नौते अंग्र मवयम प्रवृणित लोक, ठाकुर जी आपका चरण चरण को जब तक कोई व्यक्ति एकदम जबरदस्त वरण वरण नहीं कर लेता, वरण अपनाया नहीं, तब तक उसका ऐसा हालत बुरे हालत रहेगा, उसका बुरा हालत हर वक्त, उसका हालत सुधरेगा नहीं, मुश्किल। ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी भी अपना श्लोकों पे बताया, तावत गृहम कारागृहम इत्यादि श्लोक चर्चा होगा। घर कारागार रहेगा, कारागार जैसा। और कोई अगर कहे कि महाराज हम मंदिर में हैं, उसका अंदर में अगर संसार है तो बड़ा डेंजरस है। सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी का बताया इसका ऊपर, इस विषय में चर्चा करेंगे। अब आज का विषय चर्चा का है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिशोनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु नौतेषु अहम्। काल चैतन्य चरितामृत में ये सब बताया था, बड़ा सरल। आमी तो जगत वसी जगत अमाते, नामी जगत वसी न जगत अमाते। हम जगत में बैठा हुआ है, अनुप्रविष्ट हो सारे जगत में, कण कण में, फिर भी हम जगत में नहीं है। यह अचिंत शक्ति मेरा भूत भावन, भूतगण भूत भावन भगवान सारे दुनिया में जो है प्रविष्ट हो के ब्रह्म रूप, फिर भी ठाकुर जी कहते हैं फिर भी हम प्रविष्ट नहीं है, हमारे एक अद्भुत ये स्वरूप है। अब इधर जो है यथा महांति भूतानि, भूतानि मतलब भूतोग्राम, यथा महांति भूतानि, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिशोन, इसका मतलब क्या? महांति मतलब महत्त्वों से जितना सारे आया है ना, पांच भौतिक जो विषय है, खीति अपो तेज मरुद भौम इत्यादि आया है ना, इसी से निर्माण हुआ है ये जो जगत का निर्माण है, कंस्ट्रक्शन। इस जगत का जो निर्माण है, ये जगत
आप ये जो शरीर है हमारा, ये भी खिति अपो तेज मरुद बम इसी से बनाया हुआ। केमिस्ट्री में इसको एनालिसिस करो तो देखो मैं इसमें जितना एलिमेंट किस केमिस्ट्री में आता है सारे इसमें है शरीर में। हमारे शरीर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, पृथ्वी में आविष्कार जितना सारे एलिमेंट हुआ सारे है इसका अंदर, सारे एलिमेंट पोटाशियम मैग्नीशियम तक आरंभ लेकर यूरेनियम रोडेशियम आर्सेनिक सब कुछ, क्या कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, जिंक है सब कुछ, तभी शरीर चल रहा है। लेकिन हैव सम परसेंटेज, सब बॉडी का अंदर हमारा शरीर के अंदर केमिस्ट्री का जितना सारे एलिमेंट है सारे हमारा शरीर के अंदर है, लेकिन ये परसेंटेज है, जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो पॉइजन हो जाए और आप मर जाओगे। जैसे कि उदाहरण दे दे, हमारा शरीर के अंदर हमारा शरीर के अंदर एजी मरकरी है, मरकरी है तो बोला आदमी चौंक जाएगा, मरकरी है, मरकरी कैसे, मरकरी तो बहुत पॉइजन है। एक मरकरी जो है पारा बोलते हो ना, जो थर्मोमीटर में रहता है पारा उसको बोलते हो, उसको केमिस्ट्री में मरकरी बोलता है। ये पारा अगर एक बूंद तुम्हारा शरीर में चले जाए तो तुरंत में मौत, और जख्म है किसी जगह उस जगह पर पारा का स्पर्श हो गया तो तुरंत खत्म हो जाओगे। लेकिन वो पारा जब आयुर्वेदिक जो प्रोसीड्योर है उसमें कई साल वो पारत को किसी दूसरा दूसरा चीज़ों का सारा मिलाकर मिट्टी का अंदर गाड़ दिया जाए, मिट्टी का अंदर गाड़ दिया जाए उसका अंदर बहुत दिनों से, तो मरकरी जो है मिट्टी का अंदर गाड़ दिया गया बहुत दिन से, और किसी चीज़ का साथ मिला के आयुर्वेद में पद्धति कंपोजिशन है करके मिट्टी का अंदर गाड़ दिया गया, बहुत दिन बाद उसको निकालेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद वो महा औषधि बन जाएगा, वो इतना बड़ा औषधि बन जाएगा कि आपका बहुत कई बीमारी आपको हटा देगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मकरध्वज। खाया कभी मकरध्वज? बड़ा सर्दी लगा बुखार मरने वाला है, उसको मधु का साथ खा दो एकदम ऐसा हो जाएगा मकरध्वज। अब वो तो वही मरकरी है उसका अंदर में, वही पारा है, लेकिन पारा को साबुत ऐसे खाने जाओ तो वो मर जा। ऐसा नियम है, गुरु वैष्णव जैसे बोल रहे हैं ना वैसे भक्ति करो तो जल्दी कामयाब हो जाओ, अपना मनमानी करो तो उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। जो जैसे बोले इन टोटो उसको फॉलो करो, हाँ ना क्यों ये होना है, हाँ जब प्यार होता है तब ऐसा होता है। श्रील बामन गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज प्रचार में गया आसाम पे, हम तो अभी चिंता करते हैं, देखो ये सब महापुरुष, ये लोग भारत का अंदर ये सब जो जगह कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए भक्ति तो महादेव को से हम तो हमारा रोना आता है, सब लोग विदेश में जाने के लिए तैयार है, सब लोग विदेश में जाए। अरे तुम्हारा घर का प्रचार नहीं हुआ, तुम्हारा जो घर है तुम जिस घर में बैठे वहां प्रीचिंग नहीं हुआ, वो लोग सब अंधेरा में है, तुम जा रहे फॉरेन में, तुम्हारे घर में प्रचार करो। अंग्रेजी में एक बात है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम खाली बाहर। बामन गोस्वामी महाराज आसाम का जंगल में प्रचार किया, अरे बाप रे बाप, जहां सांप है इतना ही झप्पो कुछ नहीं है, एक गरीब है आसाम का आदमी गृहस्थी कुछ नहीं है, टूटा हुआ एकदम घर, बामन गोस्वामी वहां ठहर के प्रचार किया। और रात का टाइम जब बरसा आया छाती लेके बैठा हुआ, छाती लेके घर का अंदर छाती लेके बैठा, बारिश हो रहा है, बिस्तारा नहीं है, सोने का कुछ नहीं है, ऐसा गरीब। वो सब मैया हैं उधर आसाम का, बड़ा सादा सीधा। हम भी देखते रहते हैं किसका हृदय इतना सरल है, जो सरल है उसका पास ठाकुर जी बिक्री हो जाता है। मेरा भी यही नियम है, जिसका अंदर में सरलता है उसका पास हम बिक्री हो जाए, मेरा का नियम फियम सब क्या करे। बामन गोस्वामी महाराज ऐसा, ये सब महापुरुष का विचार है। एक दफे बामन गोस्वामी महाराज का बड़ा बुखार आया, बहुत तेज बुखार, उठ नहीं पाते,
और क्या करे महाराज प्रचार उसी अवस्था में, कभी कथा भी बोले कभी सो भी जाए। अब एक ऐसा हुआ कि भिखार पे उठा नहीं जाए, वहां का जो माता जी है सरल एकदम, आसाम का इतना सरल है बच्चा जैसा, वो हरिनाम दीक्षा ली। अब तो जानता नहीं उतना शास्त्र वास्त्र तो कुछ जाने नहीं, वो रोते रोते आए और महाराज जी का मस्तक पे हाथ रख के, गुरु जी तो तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ गुरु जी, तेरा क्या हुआ है बोलना, गुरु जी तोर की होलो, गुरु तोर की होलो गुरु। और इस सेवक जो है, ए गुरु जी का शरीर में हाथ मत दो। अब गुरु जी इशारा कर रहा है उसके, करने दे, उसका अंदर में कोई पाप नहीं है। तो स्वाभाविक नियम क्या है, कोई माता जी ना है, किंतु विशेष नियम भी है ना। चैतन्य महाप्रभु के एक बात बताए, चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में जब लीला कर रहे थे तो क्या, चैतन्य महाप्रभु स्त्री नाम सुनते ही डर जाते, अरे बाप रे बाप, कि प्रभु जी शिक्षा दिया ना। वो चैतन्य महाप्रभु क्या कि जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मैया, बूढ़ी मैया आदिवासी कोई अनपढ़ है, वो जगन्नाथ को देखने के लिए बोले कैसे देखे इतना भीड़ भड़ाका है, और खंभा को पकड़ के चैतन्य महाप्रभु के इधर पैर दिया, देखे वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करते। और जो सामने जो था कौन, दामोदर आदि सब, ए क्या कर रहे हो प्रभु का, ऐसा के गाली देना शुरू कर दी। वो बोले उसको देखने दे, उसको जगन्नाथ दर्शन करने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका माफिक जगन्नाथ दर्शन करने का जो चाहत है, जो जो इच्छा है, प्रेम है हमारा अंदर में कब होगा, ठाकुर जी कह रहे हैं। इधर चढ़ के बैठा हुआ खंभा पकड़ा चैतन्य वहां पुगे तो पैर रखा, वो देख रहे जगन्नाथ, होश ही नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है चैतन्य महापू, उसका ऊपर पैर रखा। अब वो चैतन्य महापू कब, वो जो चटक पर्वत को देखकर, चटक पर्वत को तो दौड़ रहा है, कहा उधर गीत गोविंदों का एक गीत, गीत गोविंदों का एक संगीत जो है वो कानों में आया, कोई भक्तों गा रहा था, धीर समीरे इत्यादि सब गान है, इधर गाना नहीं उचित नहीं, ये गा रहा था। और चैतन्य महापो दौड़ एकदम दौड़ लगाया, कहाँ है वो जो गा रहा है, उसको आलिंगन करे हम, दौड़ रहा है चिल्ला चिल्ला कर, और गोविंद पीछे दौड़ रहा, प्रभु जी रुको 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 तुम। वो जनानी का कीर्तन है, गान है, स्त्री गा रही है, हा? जब भी सुना स्त्री, बस हो गया पत्थर जैसा बन गया, कहाँ हवा का मापी दौर है, और जहां स्त्री सुना पत्थर बन गया और चल नहीं रहा, और जाके गोविंद हाथ को पकड़ा, गोविंद का आलिंगन करके, वो गोविंदो तुम आज हमको बचाया, हमको तो हमारा तो हुस्न नहीं था, हम जाके उसको अगर पकड़ ले तो हमारा तो संन्यास खराब हो जाता। तो विचार बहुत किस्म का है, बहुत किस्म का विचार है, ऐसा नहीं। तो आचार्य जो है, जो लोग कथा बोलते हैं वो लोग तो आचार्य ही है, चाहे दिखा ना दो। हरि कथा बोलने का मतलब क्या है, तुम आचार्य का आसन में बैठो, वैसा आसन मतलब आचार्य का आसन, तो तुमको सावधान होना चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सावधान ना हो तो आदमी बोलेगा महाराज इसी बात का डर है और कुछ नहीं। तो यहाँ जो है, जथा महांति भूतानि भूते सुच्चपचि सुनो, जैसे हम केमिस्ट्री का व्याख्या दिया, सारे बहुत सारे दो चार व्याख्या उठाया, तो इसमें ये विचार आया कि पंचभूत जो है, खिति अपो तेज मरुद ब्रोम, इससे तो मेरा शरीर बना हुआ है, बना हुआ है ना सारे, ये जब जब हमारा शरीर जल जाए ना, जब हमारा ये शरीर जल जाए तो ये जलने का बाद क्या होगा, इसमें हमारा जो पानी है चर्बी बन के रह गया, वो जल के पानी का जगह पानी चला जाए, पानी का जगह पानी चला जाएगा, और जितना सारे वो वायु का जगह वायु चला जाएगा, मिट्टी का जगह मिट्टी चला जाएगा, जल का जगह जल में चलाएगा, तेज का तेज में जाएगा, चारे पांचों भौतिक शरीर लेकर जो हमारा जन्म हुआ है, ये जो हम उधार करके रखा, ये शरीर एक्चुअली हमारा नहीं है। सब आदमी विचार करो तो ये हमारा कैसे है, ये तो हमारा नहीं है, ये तो उधार करके रखा है, ये उधार
ये धरती मैया जो है, ये जो जगदीश जगतधात्री जो है माया, उससे हम उधार करके लिया है, वो इसका मैया तो वो है, उससे उधार किया हमने। और जब जब शरीर छोड़ के जाए तो छोड़ के जाए। तो ये जो विचार है उसमें पांच भौतिक जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर जो है ये पांचों भूत में मिल जाएगा, पांचों भूत में कुछ नहीं रहेगा। और आप जिसको आप बोलते हो, हम बोलते हो, वो निकल के दूसरा जगह चला जाएगा। अब कैसे देखो, ऐसे ही है बताया गया, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिष्वनु, ऊंचा नीचा कोई भी सृष्टि का कोई भी वस्तु व व्यक्ति है, एक भी वस्तु व व्यक्ति दिखाओ जिसमें ये पांच भूत नहीं है, पांच भूत ये पंचभूत नहीं है। क्या नहीं दिखा सकोगे? कोई एक पांच भूत जो जो जगत है इसमें एक चीज दिखाओ जो इसमें ये पांच भूत का पांच भूत पंचभूत नहीं है, दिखा सकोगे? अगर आप बोलोगे खिति अपो तेज मरुद, खिति अपो तेज मरुद बोम, बोम मीन आकाश, आप बोलोगे हाँ मां हम दिखा सकेंगे, वो कैसे दिखाओ? बोल के एक लोहे का टुकड़ा लाया, माइंड इट, एक लोहे का टुकड़ा लाया और हमको बोला महाराज आप दिखाओ इसका अंदर में क्या आकाश है। ध्यान से सुनना, आप अगर लोहे का टुकड़ा लाओ और बोले आप बोला पंचभूत सब विषय में है, क्या यह लोहे का टुकड़ा जो है इसका मन में आकाश है? हम बोलेगे हाँ है। तो कैसे? बोले हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा, वैज्ञानिक लोग जो है उसका सामने हम बात करें तो समझ पाएगा, वो लोग जानता है। ये जो लोहे है इसका अंदर में भी आकाश है, आकाश है इसका अंदर में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका डेंसिटी इतना तगड़ा है, तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो है इतना डेंस है, आप देख नहीं पाओगे, लेकिन है। ऐसे हर वस्तु जो है, मिट्टी बोलो चाहे लोहे बोलो जो कुछ भी बोलो, हर वस्तु में ये पांच भूत जो है वो है। लेकिन हमारा जो शरीर है ये बड़ा एक्सीलेंट चीज है, इसमें पूरा शरीर में कार्बन जो है, कार्बन सी, ये सबसे बड़ा तगड़ा चीज है। पूरा दुनिया में जितना है कार्बन का जो एक्शन है वो सबसे बड़ा है कार्बन, इसीलिए केमिस्ट्री में इसको पेरेंट एलिमेंट बोला गया, पेरेंट एलिमेंट। क्यों? कार्बन छोड़ के कुछ होगा ही नहीं। जितना सारे कलर देखो, हमारा शरीर का कलर, बाल का कलर काला है, शरीर का कलर धोला है, काला है, कुछ भी कपड़ा का कलर लाल है, जो कुछ भी है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा सामने, सब कार्बन है, कार्बन छोड़ के कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी करो, ऐसे जितना भी है, जो तुम्हारा लेबू खाओ, तेतुल खाओ, तेतुल जो आमला जो कुछ भी है, सब ऑर्गेनिक वो रहेगा, कार्बन का चेन रहता है। यहाँ तक भी जो प्लास्टिक लेते हो, प्लास्टिक का फाइबर ले, सब कुछ सब कार्बन छोड़ के कुछ नहीं, कार्बन का पूरा चेन है, एक एक करके पॉलीमर ग्रुप केमिस्ट्री में बोले। जो कुछ भी है, मेरा कहने का मतलब था, केमिस्ट्री बताना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि हर भूतों का अंदर, हर वस्तु का अंदर, हर व्यक्ति का अंदर सब आपका ये जो पंचभूत हैं, खिति अपोतेज मरुद्भूम, ये सब विषय है, प्रविष्ट अनिप्रविष्ट सब विषय। अप्रविष्ट होके वायु तो अलग से भी है, वायु अलग से भी है, चल रहा है, वायु अलग से है, खेती भी, आकाश भी अलग से है, मिट्टी भी अलग से है, अलग है ना, सेपरेट एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर भी हर वस्तु का अंदर, व्यक्ति का अंदर भी इसका अनुप्रवेश है। ये दो चार उदाहरण के द्वारा आप ये विचार समझ लो। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचिष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि, प्रविष्ट हो को भी अप्रविष्ट है, प्रविष्ट है एट द सेम टाइम अप्रविष्ट है, प्रविष्टान प्रविष्टान्न प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रविष्टान अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। ऐसा ही समझ लो कि महा मैं है हर वस्तु में होते हुए भी,
पूरा जगत में होते हुए भी बस जगत से पूरा अलग का मेरा अलग सा मेरा स्वरूप है। ऐसा करके ठाकुर जी अपना सृष्टि का जो विषय है तत्व ज्ञान जो है ये तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं और उसका बात कह रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सनातनहा। ये जो इतना तक हम जो कहा इट्स अ वेट बिग बिग मिस्ट्री, ये जो रहस्य है इतना गुप्त रहस्य है कि इसको काटना बहुत मुश्किल है। इतना गुप्त रहस्य है इसको इसको भेद करना पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। इसको भेद करके जाओ तो उसके अंदर में अनंत आनंद सागर। ये चार जो चतुश्लोकी भागवत भागवत ये चार श्लोकों का अंदर सब कुछ बड़ा हुआ है। 18,000 श्लोक का जो कुछ भी है इसका इसका एकदम जिस्ट इसका अंदर में छुपा हुआ है। तो अभी एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सनातन अन्य व्यतिरिक्याभ्याम जत्सत सर्वोत्तो सर्वदा। हम भी ऐसा सोच लो कि हर वस्तु में व्यक्ति में ऐसा करके मैं एतावदेव जिज्ञासम यहां तक का जिज्ञासा ही जीवात्माओं को लिए यही सबसे बड़ा जिज्ञासा। एतावदेव एतावद मन जितना तक हमने साफा किया क्लियर किया यही तक क्वेश्चन आनी चाहिए हर जीवों का अंदर क्यों नहीं आ रहा है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सनातनहा। कोई अगर तत्व जिज्ञासु है उसका हृदय में ये सब क्वेश्चन आना चाहिए आनी चाहिए। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सुना तत्व जिज्ञास सनातनहा अन्य व्यतिरिक्याभ्याम अन्य मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्य व्यतिरिक्याभ्याम जत सात सर्वोत्व सर्वदा जो कुछ भी दिखा रहे है वो ब्रह्म वो सब ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं। ठाकुर जी ब्रह्म स्वरूप में और अपना स्वरूप पकड़ कर धाम में भी लीला कर रहे ये भी नित्य स्वरूप है। प्राकृत कोरिया माने कृष्ण कलेवर कृष्ण कलेवर को जो प्राकृत करके मान रहा है विष्णु निंदा नहीं है ता विष्णु निंदा नहीं आर तहार उप प्राकृत मानता है जो विष्णु कलेवर और गुरु वैष्णव को जो प्राकृत मानता है करके अपना नरक में जाता है। हमारा शास्त्रों का विचार है खूब जल्दी तुरंत ठाकुर जी का पास जाना चाहो तो एक मात्र विशुद्ध गुरु वैष्णव को पकड़ के रखो यही तरीका है और खूब जल्दी बहुत जल्दी नरक में जाना चाहो बहुत जल्दी तो भी गुरु वैष्णव को गुरु वैष्णव सामने रहो और अपराध करो दोनों ही एक रास्ता है। खूब जल्दी अगर नरक में जाना चाहो इतना जल्दी रास्ता नहीं होगा नरक में जाने का इतना जल्दी रास्ता और कुछ नहीं है। गुरु वैष्णव के सामने अपराध करो बस फट एक सेकंड भी नहीं लगा तुरंत ना और तुरंत गुरु वैष्णव भगवान के पास जाना चाहो तो भी पकड़ के रखो वो छोड़ना चाहे तो छोड़ना नहीं पकड़ के रख ला बोला मारो गोरो झुको झुक करो महाराज हम छोड़ेंगे नहीं अब आप जाओगे तो जरा हमको लेके चलो। तो ये सब विचार है हम भागवत जी बृहद भागवत से बचाएंगे सनातन गोस्वामी का विचार तो बहुत सुंदर विचार सनातन गोस्वामी बताया। सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे लोग हंसते रह जाएंगे इतना सुंदर विचार है। तो एतावदेव जिज्ञासम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सनातनहा अन्य व्यतिरिक्याभ्याम जत सत सर्वतो सर्वदा अन्य व्यतिरिक अन्य और व्यतिरिक ये रूप से सर्वत्र सर्वत्र सब जगह जो कुछ वो वस्तु है वो ही एक ही चीज ठाकुर जी है। और इसका बाद ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहा कि ब्रह्मा जी का ऊपर आशीर्वाद रहा एतत् मतम समातिष्ट परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्प सु न विमर्शित कहिर्चित आपको मोह नहीं पकड़ेगा आपको मोह नहीं पकड़ेगा आपको मोह पकड़ेगा नहीं हमारा आशीर्वाद रहो खूब करो आप सृष्टि का काम करो कुछ भी करो हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होगा बंधन नहीं होगा। अगर संसार में हर क्रियाक्रम को
ठाकुर जी का सेवा में बदल दो। मेरा बात समझा नहीं? संसार का हर क्रियाक्रम को ठाकुर जी का सेवा में कन्वर्ट कर दो। लड़का का पढ़ाई का व्यवस्था करो, लड़का को नहलाए, खाना दे रो, सब कुछ। ये ठाकुर जी का दास है, इसको हम ठीक करें तो ठाकुर जी का सेवा करें। हर वस्तु और व्यक्ति को ठाकुर जी का सेवा का जो मूड है उसमें घुमा दो तो सारे पाप चला जाएगा, कोई नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहावत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जगन्नाथ भगवान स्वयं बोले, मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते। हमारा लिए अगर बाहरी दृष्टि में कुछ पाप भी करोगे वो भी हमारा सेवा। मन निमित्त कृतम पापम धर्माय कल्पते। हमारा लिए तुम अगर बाहरी जगत का दृष्टि में पाप है वो कम नहीं करना चाहिए, वो भी कर दिया फिर भी वो तुम्हारे लिए पुण्य बन जाएगा। मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते। पुण्य नहीं, पुण्य हो तो स्वभाव की हम तो गलती बोल दिया, पुण्य नहीं धर्माय कल्प, अतः भागवत धर्म बन जाएगा। मन निमित्त हमारा लिए अगर करोगे हैं, जैसे एक उदाहरण दे, सीधा मा भी एक साथ पढ़ने गया था, कृष्ण बलराम गया था संदीपनी मुनि का आश्रम पे, और वहाँ सुदामा विप्रो भी पढ़ रहा था। एक दिन सीतामा को कृष्ण बोले, तुम तो इतना प्यार कर रहे हो, हमारा भूख जोड़ लगा, गुरु माँ कब भोजन दे कोई ठीक नहीं है, हमारा बहुत भूख लगा है, तो क्या करे? भले काम करो ना, गुरु माँ अंदर में छोले भाजा टांग के रखा है, तो उधर से ले आओ। भले तो चोरी हो जाएगा। चोरी क्या हो, हमारा भूख लगा है, तुम नहीं आ लोग, ले आओ घर से, वहाँ टंगा हुआ है। कृष्ण बोला, सुना बोला, इतना प्यार करता हूँ का नहीं कृष्ण को, तो चलो कृष्ण बोल रहा है, तो कृष्ण तो आत्मा का आत्मा, अनंत ब्रह्मांड का सबका अंदर में जो आत्मा है वो कृष्ण है, वो बोला तो उसका तो कहना माननी चाहिए। अंदर में गया और छोला लेके चोरी करके आ रहा है, कृष्ण गुरु माँ को बोलते, देखो छोला चटनी करने के लिए गया है, बोलो। खुद बोल रहा है चोरी, तुम्हारा भूख लगा है तुम लाओ। अब जो चोरी करने के लिए बोला, गुरु माँ को देखो छोला चोरी करने के लिए गया, वो रोना शुरू कर दिया, तुमने ही तो बोला हम देखा तुम हमको कितना प्यार करते हो, हमारा लिए बदनाम ले साइन कर सके कि नहीं क्या हुआ, ठीक ही हुआ, चोरी करने नहीं गया। जगत में जितना सारे वस्तु है सब हमारा ही है, हमारा है ना। गोपियों जो बोला, ए बेटा चोर बेटा चोरी करने आया है, माखन सब चोरी करके ले जा रहे हैं, ओ बेटा ऐसा करके बोला, तू चोर है हम चोर है, बोले तू चोर है क्या हम चोर है, हमारा घर से चुरा रहा है, बोले हम चोर है बड़े पकात किसने बोल दिया, सब मेरा चीज चोरी कर रहे हैं। साथ विचार करो तो ठीक ही बोल रहा है, गोपियों के घर में चोरी करने जाता है, गोपी बोल रहे चोर है, बोला हम चोर है कि तू चोर है, ए हमको चोर बोल रहा है, तो विचार करो तो ठीक ही है, कृष्ण चोर नहीं है, चोर तो हम लोग हैं, सब सारे वस्तु तो कृष्ण का ही है। तो इधर जो है ऐसा करके जो विचार बताया उसमें ब्रह्मा जी को भगवान आशीर्वाद दिए, कुछ नहीं होने वाला, आपका आशीर्वाद रहा, और सृष्टि का जो विषय है उसको संभालते हुए आपका हृदय में कोई मोह नहीं पैदा होगा, हो गया। दसम ये जो अध्याय है दूसरा स्कंद का, इधर बद्रायण उवाच, बद्रायणी मतलब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसको ध्यान से सुनना, इस विचार के बाद हम तीसरा स्कंद में चला जाएं। इधर बता रहे हैं, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पुसनोमूतयो मन्नंतरैषाण कथा निरोधो मुक्तिराश्रयो। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पुसनोमूतयोः मन्नंतरैषाण कथा निरोध मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्धार्थं नवानमिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। ये जो नौ विषय बोला उसमें दशमस्य विशुद्धार्थं, दशमस्य मतलब दस नंबर तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये नौ तत्व है। एक प्रमेयो है और प्रमाण जो है नौ, प्रमेय
प्रमेय रत्नावली जो है बलदेव जी उसको चर्चा करके देखना इसमें है। एक चीज है प्रमेयो टू बी प्रूफ, प्रमाण करना है, बाकी ऐसा ही है विचार जो यहां जो बोले ये जो है ये सारे लेके भागवत जी महाप्रा अभी जो बताया भागवत का भागवत का जो लक्षण बताया अत्रो स्वर्ग विसर्ग से स्थानम पसनमूतयो मनंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयो हो, ये सारे तमाम जो चीज है ये लेके पूरा समाज भागवत जी महापुराण का पूरा जो विषय है ये है। अब एक एक करके विचार करें, अत्रो ये स्वर्गो है ये दस लक्षण युक्त, दस लक्षण युक्त भगवत तत्व विज्ञान है। अब भगवान का विराट जो स्वरूप है, विराट रूप और स्वरूप को जो उत्पत्ति होता है उसका नाम सर्ग, विराट स्वरूप का जो महाभूत वो जो आपका सब सृष्टि होता है सारे सारे सृष्टि का जो होता है उसमें विसर्ग कौन है, वो चराचर सृष्टि ब्रह्मा से पहले तो आपका सृष्टि में क्या होता है, पहले सृष्टि में महत्त्व तो आए महत्त्व सृष्टि हो इसका नाम है स्वर्ग, इसका बाद धीरे धीरे सृष्टि होगा, लेकिन विसर्ग जो है वो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा का भी उत्पत्ति होगा बाद, ब्रह्मा से जो चराचर ए भूतोग्राम का उत्पत्ति आदि सब होते रहे इसका नाम है क्या है विसर्ग। तो स्वर्ग और विसर्ग दोनों का आइडिया होगा। और भगवान सृष्ट जीवों का तत्त्व तत्त मर्यादा रक्षा के लिए द्वारा उत्कर्ष लाभ इसका नाम स्थिति, कैसे इसका स्टेबिलिटी कर दे जगत का जो स्टेबिलिटी स्थिति, और ए रूप उत्कर्ष अवस्थित जो है भक्त जने भगवान ये सब जो हर ए वस्तु व्यक्ति का एक तो स्थिति तो कर दिया ठाकुर जी। ये जो स्थिति है इसमें जो भजन करते हैं जो लोग भजन में उसको अगर कृपा ना करे वो जो भक्तों लोग जो भक्त उसको अनुग्रह ना करे तो अनुग्रह ना करे तो भक्तों लोग कैसे भजन करें, अनुग्रह करना चाहिए ना, इसका नाम है पोषण। जब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा जगत का विश्वम्बर विश्वम्बर चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्बर रखा गया इसलिए क्यों पूरा तमाम अनंत ब्रह्मांड को पोषण करते हैं धरण धारण और पोषण करते हैं इसलिए इसका नाम विश्वम्भर विश्व को धारण पोषण इसका नाम विश्वम्भर भरम पोषण सब करते हैं। तो ये जो भक्तजनों का अनुग्रह ऊपर जो अनुग्रह इसका नाम पोषण, और ये जगत का हर जीवों का अंदर में कर्म का जो वासना है इसका नाम उथी, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है इसका नाम उथी कर्म वासना उथी। और एक एक मनु का जो चेंज हो जाता है उसका नाम मनंतर, समझा मेरा, एक एक मनु आता है 14 मनंतर में एक एक 14 मनु आता है, एक एक मनु का जो चेंज हो जाता है उसका नाम है मनंतर। उसका बाद ईशानुकथा, ईशानुकथमान भगवान का जो प्रबल विक्रम है भगवान का जो लीलाएं हैं इसका बारे में जो कथा है इसका नाम है ईशानुकथा ईशो अनुकथा। ईशानुकथा अनुकथा क्यों बोला, ईशो कथा बोलने से होता, बोले नहीं ईशो कथा बोलने से अधूरा रह जाएगा, ईशानुकथा इसका माने है ये ईशो कथा ठाकुर गुरु वैष्णव का मुखारविंद से निकलना चाहिए तब वो एक्टिव हो जाएगा, समझा मेरा बात। हरि कथा तो नित्यकाल स्थिति उसका है ही है, लेकिन वो कथा जब गुरु वैष्णव का हृदय से निकलता है जवान से वो औषधि बन जाता है, ऐसे तो हरि कथा औषधि है ही है लेकिन वो मोर एक्टिव उसका जो जैसे एक मेडिसिन आयुर्वेद शास्त्रों में बोला ये मेडिसिन को आपको दूध का साथ खाना चाहिए तब काम होगा, ये मेडिसिन को आपका मधु का साथ खाना चाहिए, ये मेडिसिन जो पानी का बुलबुले पानी का साथ, तो ऐसा ऐसा करोगे तो मेडिसिन का फल मिलते रहे नहीं तो फल कम मिलेगा। तो ऐसा ही है जब गुरु वैष्णव का मुखारविंद से निकलते रहते हैं तो वो जो है बड़ा तगड़ा दावा है,
बड़ा औषधि बन जाता है। इसका बारे में हम चर्चा भी किया था, पिबंती जे ये सब श्लोक का चर्चा किया है। और ये जो है इधर ईशानु कथा हो गया, ईशानु कथा मन्नंतर हो गया, ईशानु कथा हो गया। और निरोध किसको बोलता है, जैसे चौ महीना आप मना रहे हो, ये जो है ये नियम है, जब ठाकुर जी सृष्टि को पूरा अंदर में लेख चौ महीना जब चुपचाप बैठ जाते हैं ना, चौ महीना जोग निद्रा अवलंबन करके सारे भूतोग्राम को अंदर लेके बस, हाँ ये जो है इसका नाम है निरोध। ये चार महीना जो है इसको हम ऐसे बोला, चार महीना जो है चौ महीना का लिए। और ठाकुर जी जब सृष्टि को ग्रास कर लेते हैं, सृष्टि को एकदम अंदर में लेके, जस्य को निश्चेषित काल अथावलंब जीवन तिलोभ में इत्यादि बोला ना, चौ महीना जो मनाते हैं हम, चौ महीना के लिए ठाकुर जी चुपचाप निश्चिष्ट होकर स्वयं कर रहते हैं, समव रुद्ध समस्त भगव सब शक्ति को लेके चुपचाप, ऐसा है चौ महीना मनाते। और तमाम सृष्टि को निरोध करके, निरोध मतलब लॉकिंग, निरोध करके रखा है, कोई उसका अंदर में कोई प्रकाश नहीं है, भगवान का लीला का कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। ये जो है इसका नाम है क्या है, इसका नाम निरोध। अभी कुछ नहीं, भगवान सब कुछ को अंदर स्वयं सब लय करके, जीव शक्ति को सब लेके निरोध करके बैठो। जय जय जो ही अजाम इत्यादि श्लोक बताया था, जय जय जो याम जी तो दोष ग्रीवी तो गुना तमसी यदात्मना समबरुद समस्त भग इत्यादि श्लोक आएगा दसवें स्कंद में। और इधर जो है निरोध मुक्ति, अभी आया मुक्ति, अभी तो एक एक करके नौ लक्षण को बता रहे हैं ना, नौ लक्षण पूरा जो है सी पूरा के पूरा श्रीमद भागवत जी महापुराण में है। और इधर जो कह रहे हैं कि इधर क्या है भज मुक्ति, और अविद्या आत्मा मुक्ति किसको बोला है, इसका व्याख्या गौड़ीय समाज में सुंदर है। क्या है बोले, जीवों को जीव जब भोग वासना करते हैं ना, उसको माया पे डाल के ठाकुर जी ट्रीटमेंट, ठाकुर जी का जो माया है वो माया उसको ऊपर चढ़ जाता है। कृष्ण बोली सही जीव अनादि महिर्भु, तो उसका चारों ओर माया है, माया माया ही दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि माया में फंसे हुए है। और जब उसका गुरु वैष्णव का संग हो जाए वास्तव, तब उसका क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए। क्यों, उसका स्वरूप का उद्बोधन हो जाए। तो गौड़ीय समाज में, गौड़ीय सिद्धांत में मुक्ति का व्याख्या ऐसा है कि मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति। मुक्ति कथा का माने है दूसरा जो स्वरूप बना के रहे, हम लड़की है लड़का है, हम फलाना घर का है, स्वरूप को फेंको। इसका बारे में बताया गया मुक्तिर हित्वा अन्यथ रूपम, दूसरा जितना स्वरूप हमारा सामने माया देवी तुम रख उपस्थित कर दिया, स्वरूप को फेंको। और फेंके स्वरूपेनो व्यवस्थित मुक्ति, तुम कृष्ण का दास हो दासी हो, ये विचार को हृदय में पूरा बैठाओ, तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। ये गौड़ीय समझ, तो मुक्ति शब्दों का, तो ये जो सारे हम मार्ग बताया, अत्रो सर्ग विसर्गश्च स्थानम पसनो मोतयो मन्नंतरिषाण कथा निरोध मुक्ति राश्रयो, है ना ये सारे। आ दशमस्य विशुद्वार्थम नवानमीह लक्षणम, ये नौ लक्षण जो तया दशमस्य, दशम कौन है, कृष्ण दशमस्य, कुछ ना बोले सिर्फ दशमस्य विशुद्वार दशम तत्व को क्लियर करने के लिए नौ पूरा। और तमाम ये नौ तत्व जो है कृष्ण का साथ जोड़ा हुआ है, तो अभी कृष्ण तत्व है, ये समझ के रखना। और ऐसा करके ठाकुर जी
ये बादरायणी ऋषि सुंदर बताए कि कैसे सृष्टि होते रहता है, इसका बारे में हम नवम स्कंद में पूरा के पूरा इसका विषय में हम बताएंगे। अभी चलते हुए हम तीसरा स्कंद में प्रविष्ट हो गए, अभी प्रविष्ट हो गए। यह अभी संक्षेप में हम चर्चा करेंगे तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। एक बात सुन के रखना, हम दूसरा स्कंद का चर्चा के लिए कम से कम 3 दिन ले लिया, लेकिन जितना भी कथा मार्केट में चल रहा है, कथा जहां भी हो रहा है, वो लोग दूसरा स्कंदे को स्पर्श नहीं करता, और करता भी है थोड़ा बहुत। इसलिए वृंदावन में एक मजेदार कथा है, जितना सारे वक्ता है कथा भागवत प्रवचन करते, वो अद्वितीय वक्ता, हमारा अद्वितीय वक्ता बोलता है। क्यों? वो द्वितीय स्कंदों को छोड़ के प्रवचन देते हैं। द्वितीय स्कंद बहुत कठिन है, द्वितीय स्कंदों में व्याख्या करने जाओ तो उसका पोल फोटी खुल जाएगा, इसलिए वर्णन नहीं करना चाहते, इतना गंभीर विषय है, उसको छोड़ के बस चले या गप बोलते हैं, गप मार दे बस हो गया कथा पूरा जाओ। यहां जो है राजोवाचो, राजा बोल रहे हैं कि ये जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं, आप जो कह रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी अभी बताएं कि एवं एतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किलो खत्ता वनम प्रविष्टेन तक्ता स्वगृह ऋद्धिमत यद्वा अयम मंत्रकृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहम हित्वा हैं प्रविवेशात्मो स्वात्कृतम। भले विदुर जो है, हम संक्षेप में कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुर जी महाराज सारे ये संपत्ति, ये जो राज्य राजधानी सारे छोड़कर जंगल में चला गए, और मैत्रियों का साथ उसका दर्शन हुआ, देखा हुआ, पौरवेंद्र गृहं हित्वा, पौरवेंद्र यहाँ अतः राज्य राजधानी जो है कौरव वंश का जो उसका उधर ही तो था ना, विदुर जी महाराज कहाँ था, उधर ही तो था, उसका ही तो मंत्री का काम करते थे ना, मंत्री विदुर जी महाराज मंत्री का काम करते थे, मंत्री, और कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, कोई रेशन भी नहीं लेते थे कि तनख्वाह नहीं लेंगे महाराज मोटा रेशन ले लो, वो भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फ्री सेवा। विदुर जी महाराज पूरा जितना दिन उधर उपस्थित थे, विदुर जी महाराज सेवा के बिना पैसा का, कोई तनख्वाह नहीं, कोई रोटी चाल डाल कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्री सेवा, विदुर जी महाराज मंत्री थे। और घर में आकर भिक्षा करने जाते थे घर में, ऐसा करके एक एक घर में भिक्षा ला के विदुरानी को देते, बोले यही मिला है विदुरानी, उसी को करो, और रोसी करके खाते थे और ठाकुर जी को खिलाते थे। इसीलिए विदुर जी महाराज का जो बुद्धि है वह शुद्धि एकदम, इतना खाने पीने का मामला में जितना कंट्रोल करोगे, जितना विचार बनाओगे, लेकिन अपमान नहीं करना, जिसमें प्रेम है प्रीति है ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें विचार करके लेना, तो आपका बुद्धि शुद्धि होगा। खाना पीना बैठना बैठना जो है विचार नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, तरक्की नहीं होगा। जितना शुद्ध विचार बनाओगे उतना ही आपका विचार का क्षमता जो है बढ़ते चलेगा, थिंकिंग विचार का क्षमता, नहीं तो नहीं होगा। ये नियम है, जो भी है ये जो है इधर क्यों गया छोड़ के। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कुत्रो खत्रुर भागवता मैत्रेयन आस संगम, मैत्रियों के साथ इसका संगम कहाँ दर्शन हुआ, कदा बासहो संवाद एतत् वर्णयो न प्रभो। और जो मैत्रो मुनि के साथ जदवा ययम, इधर बताया जे कुतो खत्रु भगवता मैत्रेयन आस संगम, ये जो विदुर जी महाराज का साथ मैत्रेय मुनि का कदा वा सह संवाद,
क्या क्या संवाद हुआ था, कहाँ देखा हुआ था, इतद वर्णयो न प्रभु अस्माकं सकाशे, हम लोगों का सामने आप ये सब बताओ कृपा करके। आर क्यों बोले, ये कोई सामान्य बात नहीं होगा, ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकता। न ही अल्पार्थो दयोस्तस्यो विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादो साधुवादोपबृंहतः। ये विदुर जी और मृत्यु को संवाद के साधारण कुछ नहीं होगा, गंभीर प्रसंग आएगा, इसलिए आपका सामने ये प्रश्न मैं कर रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भी विदुर जी महाराज को अंध धृतराष्ट्र ने विदुर जी महाराज को बुलाया, जो आओ थोड़ा इस विषय में हमको बुद्धि दो, क्या करने चाहिए, ये जो समस्या आया है, इस समस्या आया है, इसमें क्या करना चाहिए। तभी विदुर जी तुरंत आके, महाराज आपको ये करना चाहिए, इसमें धर्म का पालन हो जाए, इसमें अधर्म का पालन हो जाए, तो आपको ये विचार करके विदुर जी महाराज हर वक्त बोलते रहे। लेकिन अंधो धृतराष्ट्र कभी भी उसका एक भी बात माना नहीं, उपदेश लेते रहे लेकिन लिया नहीं। यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जद उपोहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्रायो पृष्ठ किलो पूर्वजेन तताहो तत् मंत्रदृशाम बरियानो जन मंत्रिनो वैदुरिकम बदंती। जब भी उसको बुलाया गया तो जाके क्या की, उसमें तरह तरह के विचार उपस्थित किए, महाराज राजन आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा बताया। और वो जो तमाम उपदेश जो बताया, कौन, विदुर जी महाराज तमाम उपदेश बताया, इस उपदेश का नाम है वैदुरिकम, विदुर का तमाम उपदेश उसमें है। बोले कैसे उसको जाना पड़ा, छोड़कर राज्य राजधानी ऐसा छोड़ के जंगल में क्यों चले गए। बोले महाराज इसका पीछे कारण है, दुर्योधन ने उसका बड़ा भारी अपमान की, दुर्योधन ने इतना बड़ा अपमान किया, यह अपन सहन नहीं होता। लेकिन तब भी अगर बताओ कि अपमान किया इसलिए चला गया, एक गलत बात है, क्योंकि ये जो है महाभागवत, विदुर जी को दुर्योधन कई बार अपमान किया, एक बार नहीं, लेकिन ये अपमान बड़ा बात नहीं है, विदुर जी तो सहन कर लेते। महापुरुषों को अपमान करो तो कुछ नहीं होता, अगर हम ये सिद्धांत करें अपमान किया तो चला गया, गलती होगा, अपमान उसका जब देखा जो हमारा बात तो मन ही नहीं, मन नहीं रहा है, और उसका ये खानदान है ध्वंस होने वाला। विदुर जी अपना दर्शन इतना क्लियर है, वो विचार करके देखा अभी जो हालत हो रहा है पूरा खानदान उजाड़ जाएगा, वहां अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया, बोले अब ठीक है। और जब इधर जो है दुर्योधन ने उसको अपमान किया, ये बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इससे भी कई गुण बड़ा चीज है कि वो खानदान उजाड़ने का समय आ गया। इस समय क्या हुआ, मैं विदुर जी महाराज को बुलाए, कौन, अंधो धृतराष्ट्र, अंदर में चर्चा चल रहा था, ये करना चाहिए राजन, ये करना चाहिए। इतने में दुर्योधन का कानों में शब्द आ गया, कोई ऐसा उपदेश दे रहा था उचित, जो उचित वही बता रहा था, लेकिन दुर्योधन का बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अपमान करना शुरू कर दिया। दुर्योधन का इतना गुस्सा आया, बोले ये दासी पुत्र को कौन बुलाया दासी पुत्र को, इसको फेंको, बाहर निकाल दो इसको, धक्के लगाकर। विदुर जी को बोला, महाभागवत वैष्णव है, उसको बोले इसको कौन बुलाया दासी पुत्र को, हमारा ही खाएगा, हमारा ही कुछ खाता ही नहीं, उसका खाता है साधु संत महात्मा लोग, किसी का खाता है, ठाकुर जी बेचता है, सारे लोग फल लाता है, ये लाता है, किसका खाता है, संत महात्मा जहां बैठ जाओ खाना बना अपने आप आ जाता,
लेकिन कभी भी हिंसा होता, हमारा क्यों खा रहा है, ये भी है मूर्ख सब। तो ये जो है क एनम अत्रो उपोजुहाव जिम्हम दास्या सूतम जत बलि नहीं वपुष्ट, हमारा खाया बोला नहीं, जत बलि नहीं वपुष्ट, बलि मतलब उपहार, हमारा चीज लेके ही तो जी रहा है। बोले क एनम अत्रो उपोजुहाव जिम्हम दास्या सूतम जत बलि जत जत बलि नहीं वपुष्ट, हमारा वो हमारा देख रेख में थी, इसका सब कुछ है और कहाँ उसको कौन पूछेगा, ये दासी पुत्र को कौन बुलाया। तस्मिन प्रतीप परकृत आस्ते, ये दूसरे का मंगल करता है हमारा मंगल करता है, कोई साधु किसी का मंगल करता है, कोई साधु किसी का मंगल करे, लेकिन दुर्योधन बोल रहा है अमंगल करे, भले दूसरे का मंगल करता है, हमारा ही घर में रहता है, हमारा ही देख रेख में रहता है और हमारा मंगल करे दूसरे का मंगल करे, मैंने पांच पांडवों का ऊपर उसका प्रीति है उसके लिए गाला गाल दे रहे। तस्मिन प्रतीप परकृत्य अस्ते हैं, दूसरे का मंगल करे और हमारा इधर रहता है, हमारा इधर आश्रय में। तस्मिन प्रतीप परकृत्य अस्ते निर्वसित वचन निर्वासताम आसु पूरा छासनो, उसका सांस मतलब उसका सांस को रख दो, जान से मत मारो लेकिन धक्के लगाकर बाहर कर दो, हमारा राजधानी के बाहर भागो यहां से। जब ऐसा धक्का लगा के बाहर कर दो बोला तो विदुर जी क्या किए, विदुर जी यहां विदुर जी सर को झुकाया, बोले ठीक है जो इच्छा, अपने आप निकल गया, धक्का लगाने का दरकार नहीं, गुरु वैष्णव को धक्का, हमारा भी कितना जिंदगी में कुछ हुआ, हमको निकालने के लिए कुछ बहुत कुछ हुआ, गुंडा लगा दिया कुछ, हम बोला तेरा गुंडा में क्या होगा, हम खुद ही निकल जा रहे, हम खुद ही निकल गए जा, अमर क्या करे, हमारा कुछ कुछ बिगाड़ेगा, हमारा कुछ नहीं, ऐसे ही आ रहा है भजन में, ऐसा भजन तो करने के लिए नहीं आता है ना, प्रतिष्ठा लाभ पैसा इस लूटने के लिए आ रहा है। तो जो कुछ भी है इधर जो विचार है तो इसको धक्के लगा कर निकाल दो, बोला विदुर जी खुद उठ के खड़ा हो गया और धीरे धीरे निकल गया, घर को गए, विदुरानी को बताए कि आज हमको चले जाना है, नहीं रहना है, रात का टाइम, रात को 12-1 बजे रात का टाइम, सब सोए हुए हैं तो अपना तीर और धनु मंत्र जब जब राजकार जो करोगे ना, जैसे पुलिस का काम करोगे तो गवर्नमेंट से तुमको एक राइफल दिया जाएगा, चाहे चलाओ नहीं चलाओ तो रहेगा, वो वर्दी का साथ दिया जाता है, ऐसे ही वो राजकार्य करता है इसलिए उसको तीर धनु आदि दिया, सतो उसको मिलता है, तो तीर धनु को रख दिया घर में, वो तीर धनु को लेके राज दरबार का गेट पर उसको छोड़ के रात का अंधेरा में पूरा चला गया तीर्थ अटन के लिए, तीर्थ पर्यटन करने के चले गए। सुबह में उठ के दे किसका धनु है ये है, शोर मच गया हर विदुरी जिला, क्योंकि ये तीर धनु तो जानता है किसका है, सबका मार्किंग है, एक एक व्यक्ति का जो तीर धनु है सबका मार्किंग है, मार्किंग है ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध गीता पाठ करो कि इधर देखो अर्जुन का तीर धनु का नाम है गांडीव, दूसरे का एक एक रथ का नाम है, एक एक अस्त्र का नाम है, सब सब नाम है। ऐसा करके विदुर जी महाराज पूरा एकदम राज्य राजधानी सार तमाम छोड़ के, क्योंकि वो उसको उसको दिखाई पड़ा कि पूरा खानदान उजारने वाला है, अब इधर रह के मैं क्या करूं, जहां अधर्म फैलेगा ना तो आज नहीं तो कल उसका पूरा खानदान उजार जाएगा, रहेगा ना। विदुर जी निकल गया तीर्थाटन करने के लिए, भिखारी का वेश है, कोई पता नहीं चला कि ये है इतना बड़ा मंत्री है, इतना बड़ा मंत्री है किसी को पता नहीं चले, भिखारी का माफी एक कपड़ा फटा फटा हुआ कपड़ा और लेकिन मलिन वेश, साधु तो है ही है, संतों में अग्रगणी है विदुर जी महाराज, वो निकल गया और धीरे धीरे तीर्थाटन करने लगे और धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, मैत्रो मुनि का साथ उसका दर्शन हुआ, लेकिन मैत्रो मुनि का पहले उद्धव जी का साथ, उद्धव महाराज का साथ उसका पहला दर्शन हुआ, इसका संवाद हम कहेंगे।
अब एक विचार हम चौथा स्कंद में देखोगे, जब शंकर पार्वती का प्रसंग आए जे शंकर भगवान के इतना अपमान किया कौन दक्ष प्रजापति। शंकर ने ये बताया देखो किसी का शरीर में कोई जख्म हो जाए फिर भी सहन होता है, लेकिन कोई दुर्जन कोई बदमाश व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति किसी को गाली देता है उल्टा सीधा ऐसा करता है अपमान करता है तो वो सोए हुए रहता है तो उस हृदय में कष्ट होता है, उसको उसको सोने जाए तो सहन नहीं होता, इतना कष्ट होता है क्योंकि उसने उसका दिल में कष्ट दिया अपमान किया इतना उल्टा पलटा किया वो है। अभी जो अभी जो विचार आता है विदुर जी महाराज का साथ उद्धव जी महाराज का दर्शन हुआ। उद्धव जी महाराज कौन है बोले उद्धव जी महाराज इतना बड़ा जिसको ठाकुर जी ने बोला जो उद्धव है वही मैं हूँ, उद्धव और मेरे में कोई पार्थक्य नहीं है, जो मैं हूं वही उद्धव है क्योंकि इतना प्रीति है। इसका बारे में उद्धव का बारे में एक लाइन बता दे कि उद्धव जी 5 साल 4 साल की उम्र पे जब माताजी कहते थे माताजी कहती थी ओए भोजन के लिए आ जा बेटा, नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, क्यों बोले वो गा के देखा कृष्ण को बनाकर कृष्ण मूर्ति बनाकर खेल रहा है, अब तो भोजन तो कर जा नहीं भोजन की इच्छा नहीं भूख नहीं है, कृष्ण को लेके बचपन से खेल कूद जो कुछ भी है बचपन से लेकर कृष्ण को छोड़कर उसका कुछ नहीं खेल कूद जो कुछ कृष्ण को लेकर, तो ऐसा ही कृष्ण को चिंतन किया कि जीते जी वो कृष्ण का स्वरूप को कृष्ण का जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया। समझा मेरा बात समझा क्या, जीते जी कृष्ण का जो स्वरूप है स्वरूप को प्राप्त कर लिया, इतना कंसेंट्रेट किया कृष्णों का रूप कृष्णों का गुण इसका ऊपर जो पूरा चिंतन करते करते कृष्ण का स्वरूप बन गया, स्वयं कृष्ण का स्वरूप बन गया उसका। होता है कभी नहीं होता है, हम इसका उदाहरण दिया ना जैसे लिजर्ड जो ये है आपका कैमेलियन, कैमेलियन बोलता है किसी भी कलर पे जाए कैमेलियन कुछ देर तक ऐसा बैठे उस पेड़ का रंग हो जाए सबूज रंग है तो सबूज हो जाए, गिरगिटी उस काला का रंग हो जाए तो क्यों नहीं हो पाए, ऐसा हो गया कि एकदम जैसे कृष्ण जैसा देखने में, जो भी हम शॉर्ट संक्षेप में बता रहे हैं। और कभी कभी कृष्णों का चिंतन करते करते एकदम अश्रुपूलक हो जाता था, 5 साल का लड़का है लेकिन कृष्णों का बारे में चिंतन करते करते संकीर्तन करते करते उसका आंसू और रोम रोम खड़ा रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है ऐसा ऐसा आनंद। और विदुर जी महाराज ये उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण तो चला गया नित्यधाम, रोते रोते बोला है क्योंकि ये जो प्रसंग आया इसमें कृष्ण का प्रसंग आया तो इस समय विदुर जी को जब प्रश्न किए सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब प्रश्न किए कृष्ण प्रश्न कृष्ण का बारे में तो उत्तर देने का हिम्मत ही नहीं है विदुर जी ये उद्धव जी महाराज का अंदर प्रेम का मारे इतना अश्रु है जिसके द्वारा वो उसका वचन बंद हो गया, बहुत देर तक चुपचाप रहा माथा नीचू किया और अश्रु जो है वर्षण करना शुरू कर दिया अश्रु वर्षाया और धीरे धीरे सनकैर भगवत लोका नीलोकम पुनरागत विमिज्य नित्य विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन, बहुत देर तक चुपचाप रहा कुछ वचन नहीं आया बाक नहीं स्फूर्ति हुआ है बाक नहीं स्फूर्ति हुई। इसके बाद जो है सनक धीरे धीरे भगवान चिंता करते करते भगवान के पास वृत्ति लय हो गया था अंतर का, फिर वापस आया आंखों का आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे उद्धव जी ने बताया जो कृष्ण दुमनी निम्लोचे गिरनेशु अजगरे हो किमनु न कुशलम ब्रियाम
गतो श्रीषु गृहेशु अहम। कृष्ण नामक जो सूर्य है, कृष्ण नामक जो सूर्य है, ये सूर्य अभी क्या हुआ, ये अस्त गया। कृष्ण नित्य धाम को चले गए, इसका ही व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण दुमनी निम्लोचे गिरनेशु अजगरे ह, बोले क्या हुआ, बोले कृष्ण नामक, कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अस्त गया है। कृष्ण नाम का जो सूर्य है वो अस्त चला गया और पूरा जो है चारों ओर जैसे जैसे सांप ग्रास किया, चारों भुवन के जो सांप जैसे ग्रास करता है, गिरनेशु अजगरेण, जैसे अजगर ग्रास किया, जैसे लगता है कि अजगर जो है वो पूरा दुनिया ग्रास करके रखा, ऐसा लगता है। इस अवस्था में जितना सारे जदुवंशी है, ये जदुवंशी भी कृष्णों का साथ रहते हुए भी उसको पता नहीं चला कि ये साक्षात परात्परीक्षर है, ये स्वयं भगवान है, इसको पता नहीं चला, ऐसा है। इसका बारे में विदुर जी कह रहे हैं कि दुर्भगो बतो लोको अयम जदबो नितरामोपि जे संगवसंति न विदुर हरिम मीना इव उरुपम। ये जदुवंशी कृष्णों का साथ बहुत दिन रहे लेकिन इसको पता नहीं चला जी वो साक्षात परात्पर अखिलेश्वर है। कैसा उदाहरण दिया, बोले जैसे पानी के अंदर में मछली रहता है ना, पानी के अंदर में, और पूर्णमासी में जैसे ही पूर्णमासी आएगा, देखोगे कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, उसमें चंद्रमा का ज्योति जो है बहुत कई गुण वेशी होता है, बहुत एकदम। उस समय में चंद्रमा का जो प्रतिफलन जो है पानी में गिरता है, बड़ा बड़ा मछली लोग क्या है खाने के लिए जाता है मछली। चंद्रमा का वो जो पीला पीला सुंदर सोने जैसा रंग और चंद्रमा का पूरा प्रतिफलन पानी में गिरता है, तो मछली लोग दूर से बोलते हैं क्या है? खाने का चीज है, शायद खाने के लिए जाता है, कुछ नहीं है मछली। उद्धव जी ऐसा ही उदाहरण दिया कि ठाकुर जी इतना दिन तक जदुवंश में विहार किया लेकिन किसी को पता नहीं चला ये परात्पर कृष्ण साक्षात कृष्ण, ऐसा इसका ही उदाहरण दिया। दुर्भगो बतो लोकोयम जदबो नितराम अपि जे संगवसंतो न विदुर हरिम मीना इव उड़ुपम। उड़ुपम माने चंद्रमा, चंद्रमा को जैसो मीना, हा मीना मतलब माछ मछली सब, ऐसा करते करते अभी उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो ये ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप है कि वो रूप त्रिभुवन में तो दूर की बात, अनंत ब्रह्मांड में कई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में ठाकुर जी का ये जो रूप है ये कई नहीं है, नहीं है। और ठाकुर जी खुद का अपना जो स्वरूप है वो देख के हैरान हो जाते थे। अगर द्वारका में ये स्फटिक स्तंभ है ना, स्फटिक स्तंभ जानते हो, स्फटिक स्तंभ नहीं जानते, स्फटिक का स्तंभ शीशे का मत, यहां कह रहे हैं कि जब स्फटिक स्तंभ हो द्वारका में, स्फटिक स्तंभ राजधानी, और स्फटिक स्तंभों का सामने अगर अचानक अपना नजर गिर गया स्फटिक स्तंभ में, तो कृष्ण देखते रहते हैं कौन है ये, कौन है ये, कौन है, कृष्ण अपना ही स्वरूप को, ये कौन है, अपने को आलिंगन करने की इच्छा होती है, चुम्बन करने की, कौन है, कृष्ण स्वयं, कृष्ण अपना ही रूप को स्तंभ में देखा, स्फटिक स्तंभ में, और देखते हुए खड़ा होता है, कौन है ये, कौन है, इसको आलिंगन करने के लिए जाता है, चुम्बन करने के लिए, कृष्ण स्वयं अपना रूप को। इधर उद्धव जी बताया, उद्धव जी स्वयं बता रहे, जन्मर्तो लीलोपयीकम सजोगो मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम सस्व चौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। क्या बताया, जन्मर्तो लीलो
जन्मार्तलीलोपयीकं संयोगं मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं सस्वोच्च सौवगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भले जन्मार्तलीलोपयीकं संयोगं, मर्तोलीला का अनुरूप नरलीला जो किया है भगवान, नरलीला नरवपू नरलीलार है अनुरूप। चैतन्य चैतन्य क्या लिखा, नर बपू नरलीलार है अनुरूप, अनुरूप लेकिन नर नहीं है, अनुरूप रूप मतलब तुलना किया गया लेकिन नर नहीं है, नर का माफिक। ये जो है इधर बताया जन्मर तो लीलो पुईकम संयोगम, माया माया जोग माया को आश्रय किया ना, इधर बोले जन्मर जन्मर तो लीलो पुईकम संयोगम है, जोग माया को आश्रय करते हुए ठाकुर जी ये जगत में, क्योंकि ये जगत प्रपंच में ठाकुर जी का मूर्ति दर्शन करना संभव नहीं है, ठाकुर जी का मूर्ति दर्शन करना संभव नहीं है, कैसे दर्शन करें। लेकिन ठाकुर जी जब प्रकट विहार किया तो हाथ में कृष्ण जा रहा है, कृष्ण खा रहा है, इच्छा करके किया, जोग माया के द्वारा अपना मूर्ति को प्राकट्य विधान किया हर लेकिन उसका तो दर्शन, सबका दर्शन तो पक्का नहीं है, दर्शन मतलब ये आंखों का दर्शन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट विहार जब किए, बहुत आदमी चैतन्य महाप्रभु को देखे हैं लेकिन वो दर्शन तो दर्शन नहीं है, चपाल गोपाल देखे नहीं, चपाल गोला इतना बदमाश है, चपाल गोपाल देखे हैं कितना सारे बदमाश लोग चैतन्य महाप्रभु को देखे, भट्ट थारी चैतन्य महाप्रभु देखे मारने गया महाप्रभु को, काटारी लेकर मारने गया चैतन्य महाप्रभु को, वो कटारी अपने ही शरीर में गिरा, चैतन्य महाप्रभु काटने गया, कुछ नहीं खराब किया बोलो। तो ये जो है माया, भगवान का माया जो है जोग माया, उस दो चार दिन पहले भी बता था जी, इसका नाम है स्वप्रकाश, स्वप्रकाशता शक्ति संदर्भ में है। अगर ठाकुर जी चाहे तो इस दृश्य प्रपंच में, अगर ठाकुर जी चाहे तो इस दृश्य प्रपंच में अपना स्वरूप को ओपन कर दे। देखो जब भी तत्व ज्ञान के बिना दर्शन पक्का नहीं होगा, लेकिन शिशुपाल भी देखे, शिशुपाल देखा नहीं, शिशुपाल भी तो देखे हाँ नहीं बोल रहे, कंसो भी देखे, तो ये दर्शन दर्शन नहीं है, समझा मेरा बात सिद्धांत। तो जन्म और तो लीलो पोई कम सयोगम मायावलम दर्शयता गृहितम विस्मापनम सस्वच्छ सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। जितना सारे भूषण से ठाकुर जी को भूषण की कराया जाए वो कुछ भी नहीं, क्योंकि अलंकार है जो कुछ भी है ठाकुर जी के शरीर में चढ़ा दो तो शास्त्रकारों ने बताया, शास्त्रकारों ने बताया ऐसा लग रहा है कि अलंकार प्रभु जी का शरीर का सौंदर्य का विकास नहीं किया। तो क्या किया, बोले सौंदर्य विकास किया कृष्ण स्वयं वो अलंकारों का, समझा नहीं गया। जो भूषण है आपने सोचा कि भूषण लगा दिया कृष्ण को देखने में अच्छा होगा, नहीं, ये भूषण को भूषण को भूषण बना दिया आभूषण, कृष्ण का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य जो आभूषण है उसको सौंदर्य बना दिया, तू क्या सौंदर्य बनाएगा हम, ऐसा है। ऐसा करते करते अभी उद्धव जी रो रहा है, रोते रोते एकदम पागल हो गया, बोले हे विदुर आज हमारा याद हो रहा है, जब ए प्रभु हमारा कृष्ण हमारा दोस्त बन के रहा, कभी हमको कभी भी हमको ऐसा बुला लेते, उधो इधर आ जाओ थोड़ा चर्चा है, इस अवस्था हुआ है, अब इस अवस्था में क्या करना उचित है, उधो थोड़ा बुद्धि दो। कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बुला लेते, उद्धव थोड़ा आओ चर्चा करिए, ऐसा समस्या हुआ उसका समाधान कैसे हो जाए, बैठ के बैठ, कृष्ण स्वयं भगवान वो समाधान के लिए उद्धव को बुलाते थे। और आज जो बोलते हैं उद्धव जी, बोलते हैं आज हमारा रोना आ जाता है कि ठाकुर जी कितना करुणा है, हैं हमको बुला लेते थे और उसका बाद बोले दुनो तिशेतः स्मरतो ममई तद जद आहो हैं जद आहो पदाव बचन पदावो भी बंदो पदौ अभिबंदो पित्रो तातस्व
कंसात उरु संकितानम प्रसिद्धतम नो अकृत निष्कृत निष्कृतिनाम। भले ये चिंता करके हमारा बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमको कृष्ण कभी कभी बुला लेते थे आओ चर्चा करें इस विषय में। फिर ये बात सोचकर हमारा दुख होता है, कभी कभी पिता माता को वंदना करके जब कृष्ण जाके बोला हे पिता माता आप लोगों का सेवा हम नहीं कर पाया, कंसों से भयभीत होकर दूर रहे, ऐसा करके मजा करके जो बताते पिता माता के सामने अभी हम सेवा नहीं कर पाया, आपका सेवा करना उचित था, ऐसा जो बताते तो हमारा अंदर में मोह हो जाता। आह कैसा आश्चर्य विषय है, कैसा आश्चर्य विषय है। देखो ठाकुर जी स्वयं परात्पर अखिलेश्वर, लेकिन पिता माता के सामने ऐसा दुन्य करके बोलते थे आपका सेवा नहीं कर पाया, क्षमा कर देना। और उसका बाद एक श्लोक आता है, जो श्लोक का चर्चा हमको पहला स्कंद में ही करना चाहिए था लेकिन समय मिला नहीं। आप सुने होंगे कि सुखदेव गोस्वामी को जंगल से लाने के लिए व्यासदेव गोस्वामी भेजा था दो शिष्यों को, वो कठुरिया बन के गया था, कठुरिया बन के काट संग कहता है ना जंगल में, कठुरिया बना के कठुरिया बना के उसको भेजा था। और जंगल में भेजा किस लिए, सुखदेव गोस्वामी को लाने के लिए, उसको ले आओ वो आएगा नहीं, उसको ऐसे लोभ देखा के ले आओ जो वो आ जाए और हम भागवत रस जो है उस पात्र में रख सके। पहले बताओ ये जब बताए तो इस समय व्यासदेव गोस्वामी ये कठुरिया बन के जो दो शिष्य गया, उस शिष्य को अपना सुंदर भागवत का श्लोक सिखा दिया, श्लोक सिखा दिया। ये श्लोक को कुछ नहीं बोलना उसको, वो उधर बैठ के भजन कर रहा है और कुछ नहीं बोलना, और आगे में काट काटना, काट काटते रहना और श्लोक को दोहराना, और श्लोक सुनते ही वो देख बेचैनी पैदा हो, देखना बोला व्यासदेव जी बोल दिया, कुछ नहीं करने का दरकार है, चुप तू तू काट काटते रह और श्लोक को बोलते रह और देखे वो भागे आ जाएगा। व्यासदेव गुस्से में बोले तो उसको श्लोक दो श्लोक सिखा दिया, उधर गया जाके काट करते रहे और श्लोक को दोहराते रहे, और तुरंत सुखदेव गोस्वामी आंखें खोला, कहां से आ रहा है ये, कहां से आ रहा है ये, थोड़ा और बोलो और बोलो। बाबा जो है वो मौनी बाबा, आप जवान खोल दिया, कैसा मौनी बाबा है देखो, बोले और बोलो और बोलो, और सुनना है तो चलो मेरा साथ, इधर नहीं होगा, कहां जाए कहां जाए, सुनाओ मेरे को और सुनाओ, बोले और सुनना है तो ऐसा बहुत सारे है, चलो मेरा साथ। जैसे शिकारी लोग शिकार करते हैं, वो मछली को शिकार करने के लिए चारा दिया जाए, मछली बोलते ठुक ठुक करके खाता है, उसके बाद निकाल लेते हैं बस इधर लग गया, उसको उठा के मछुआरे ने उसको पकड़ लिया। ऐसे व्यासदेव जी उसको पकड़ने के लिए धंधा बनाया है, कि थोड़ा सा एक तो सुंदर व्यवस्था जी, ये आधार ऐसा है, उसमें जाके भागवत का दो चार दो तीन श्लोक सुना वो भागे आएगा पीछे, कहाँ है ऐसा, कहाँ सुनने को मिलेगा, ऐसा करके उस श्लोकों का जो विषय है उस विषय में हम चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन पे सुंदर करके। फिर भी अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर दे, अहो वो कीजम सान काल कूटम जिगांसयापायद यद्यपि असाध्य लेभे गोतिम धातृचितम ततो अन्नम कंगवा दयालुम शरणम बजेम। अहो वो कीजम स्थान कालकूटम, अहो वो कीजम स्थान कालकूटम, ओ बकासुर का भगनी जो है, बकासुर का भगनी ये स्वयं का की बजे, वो स्तन में विष लगाकर जो गोपाल को मारने के लिए गए गई थी ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कर पाई कुछ, अहो वो की जम स्तन काल कुटम जिघंग सया अपाय यद्यपि असाध्य दुष्टा है, लेकिन फिर भी
लेवे गोतिम धात्री उचितम, धात्री मैया का जो गोती है वो गोती उसको मिल गए। तत्तो अन्यम कंगवा दयालु शरणम मुझे, ऐसा जो दयालु है जो मारने के लिए गया फिर भी उसको सदगोती दे दी, दे दिया, उसको छोड़ के मैं किसका वजन करूं। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा हो पाएगा, बहुत लंबा चौड़ा चर्चा है। तावद भयम द्रविण देह सुहित निमित्तम, तावद स्पृहा परिभवो विपुलश्चलोभ, जावत नाते अंग्रिम अवयम प्रवृणीत लोग, तावद भयम द्रविण देहो सुहित निमित्तम, तावद स्पृहा परिभवो विपुलश्चलो, तावद ममो इति असदवग्रहो वार्तिमूलम्, तावद अंग्रि मभयम् न प्रवृणीते लोकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।